अच्छा गाइस, तो आज दुर्गा पूजा के लिए मैंने व्लॉगिंग करने के लिए सोचा था। असल में मैंने दो दिन में व्लॉग मैंने नहीं किया था, लेकिन मुझे दो तीन लोगों ने बोला कि तुम्हारा व्लॉग मैं हर रोज़ देखती हूँ, तो इस वजह से मैंने फिर से कंटिन्यू करने के लिए सोचा। आज स्पेशल क्या है व्लॉग के लिए, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ भी मेरी मायना को आज मैंने मायने बना दिया। चल है, आप देख सकते हो मायना को मैंने ऐसे सजा दिया है। हाँ, उसको आज लड़की बना दिया। असल में मुझे लड़की बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने सोचा आज पूजा के लिए उसको लड़की ही बनाया जाए। उसको देखो, हाथ में मैंने बंगड़ी पहना दिया, यहाँ पे हेयर बैंड खरीद के लाया, और ये स्पेशली इसके लिए ये फ्रॉक खरीद के लाई थी मैं आज। बहुत ही ज़्यादा भीड़ था, लेकिन उसके बीच में मैंने उसके लिए स्पेशल उसको लड़की बनाने के लिए मैंने ये फ्रॉक खरीद के लाई। और आज का पूरा व्लॉग मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ दुर्गा पूजा की, तो व्लॉग आगे तक जरूर देखिएगा। सब लोग निकल गया है, यहाँ पे मायना भी रेडी हो गया है। उसका आग कितना अच्छे खुला हुआ है, देखो कितना खुश है जाने के लिए। और यहाँ पे मेरी मम्मी है, मेरी दीदी, यहाँ पे मेरा निफियो, मेरी दीदी और जीजू है, यहाँ पे योयो बॉय। तो यहाँ से हम 9:30 बजे निकल रहे हैं। बहुत असल में बहुत जल्दी हम लोग जाते, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है इस वजह से। तो अभी हम थोड़ा देर को ही जानबूझ के जा रहे हैं, क्योंकि मायने को लेके जा रहे हैं, बच्चे लोग साथ में, इसलिए थोड़ा देर को जा रहे हैं। आज बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाला है, क्योंकि आज लास्ट डे है। तो अभी हम लोग निकल गए हैं यहाँ से। पे देख सकते हो गाड़ी का इस साइड पे भी बहुत ज़्यादा लाइन है। अभी तो हम लोगों ने बहुत लास्ट में रखा है, तो इसीलिए हमारा गाड़ी यहाँ पे रखा है। यहाँ पे मैं, दीदी, जीजू सभी लोग रेडी हो गया है जाने के लिए। अभी पैदल चल के हम लोग जाने वाले हैं, बहुत दूर तक जाने वाले हैं, क्योंकि गाड़ी लगाने के लिए लाइन वहाँ पे बहुत ज़्यादा रहेगा इसी वजह से। यहाँ पे हम लोग पहला मंडप पे आए, यहाँ पे मम्मी मायने को लेके फोटो खींच रहा है, आप देख सकते हो बहुत ही प्यारी लग रही थी। और ये पहला दुर्गा पूजा का मंडप है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, आप देख सकते हो। ये रावण के थीम पे बनाया था, जो कि आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से बनाया था। तो यहाँ पे सिंगर वगैरह भी आया था, तो मम्मी ने यहाँ पे मायने को गोद में लेके रखा है, बहुत लोग उसको देख रहा था, बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी मेरी बेटा, मतलब मेरी बेटी। तो यहाँ पे अंदर मम्मी दर्शन कराने के लिए लेके जा रहे हैं, और अंदर भी बहुत ज़्यादा अच्छे से डेकोरेशन किया हुआ है, आप देख सकते हो। यहाँ पे दुर्गा माता का मंदिर है, सॉरी, यहाँ पे दुर्गा माँ का मूर्ति यहाँ पे रखा हुआ है, बहुत ही बड़ा है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसको बनाया हुआ है। और यहाँ पे बड़ा बड़ा मार्क्स बनाया हुआ है, जो कि भगवान का हर एक अवतार को दिखा रहे हैं। यहाँ पे सब लोग सेल्फी वगैरह खींचने में बिजी हैं, यहाँ पे वीडियो वगैरह लोग कर रहे हैं, दर्शन करने के लिए आया है। तो उसके बाद मम्मी भी मायना को लेके यहाँ पे दर्शन करा रहे हैं, और देख सकते हो कितना अच्छे से अच्छा लग रहा है मेरे बेटा को। और ये देखो कितनी प्यारी लग रही है, मतलब मेरी बेटी को। तो हम लोग इस मंडप से निकल गए। उसके बाद यहाँ पे रास्ते में आप देख सकते हो लाइटिंग वगैरह है, वहाँ पे गाना वगैरह चल रहा था, तो वहाँ पे मेरे भांजे लोग डांस कर रहे हैं, देख सकते हो मेरे भांजे लोग हैं, मेरी मम्मी है, सब लोग डांस कर रहे हैं। रास्ते में सभी लोग अपने अपने लोग अपने जगह पे डांस कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छा से गाना गाया है। यहाँ पे आप गाना सुन सकते हो कितना अच्छा गाना गा रहे हैं। उसके बाद हम लोग रास्ते में आए थे, और ये लोग देखो रास्ते में ही मुर्गा बन के यहाँ पे चल रहा है। फिर दूसरा मंडप पे गए, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ था, थोड़ा भीड़ कम हो गया था क्योंकि बहुत देर हो गया था उस टाइम पे। और देखो बहुत ज़्यादा मेला भी लगा हुआ है यहाँ पे, बैलून वगैरह भी, उसका मार्केट भी लगा हुआ है, बच्चों के लिए खिलौना वगैरह का मार्केट है, मेला लगा है, मेलोना आ गया। और यहाँ पे मेरा बुन्नू बेटा मिल गया, यहाँ पे देख सकते हो मेरे कजिन है सब लोग, तो सब और ये मेरी बहन है प्रिंस, आए बोलो। और यहाँ पे मेरे भाई ने भी आज दुकान दिया है यहाँ पे खिलौने की।
तो यहाँ पे बुनू की मम्मी प्रियंका, वो मेरी मायने को गोद में लिया है। तो बुनू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, आप देख सकते हो वो गुस्सा कर रहा है। तो बहुत ही प्यारी है वो, इतना गोलू मोलू प्यारी सी है ना, मुझे उसको मतलब एकदम घर पे रख लेने के लिए मन होता है। तो उसको गुस्सा आया था इसलिए मैंने उसके लिए ये गुड़िया खरीदा, जो कि बिल्कुल उसके जैसा लगता है, एकदम गोलू मोलू प्यारा सा है। और देख सकते हो उसके साथ मैं मजाक कर रही हूँ। वो बाद में उसको गुस्सा आया, उसने बोला उसको मतलब नहीं लेना था तो मतलब ये गुड़िया, फिर मैंने उसको दे दिया, उसको ज़्यादा परेशान नहीं किया। यहाँ पे फिर हम लोग आ गए खेमका पे, जो कि जेपी अग्रवाल फर्स्ट में है। वहाँ पे आइसक्रीम बहुत अच्छा मिलता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आइसक्रीम खाने के लिए आ गई हूँ। यहाँ पे मैं, टिकली और बाबू आए हैं यहाँ पे आइसक्रीम लेने के लिए। यहाँ पे सभी शॉपिंग यहाँ पे कर सकते हो, बहुत ही अच्छा शॉपिंग मॉल है, नया नया यहाँ पे ओपन किया हुआ है। अगर आप सिक्स से पुराना हो गया क्या? कितना महीना हुआ है? तो 5-6 महीना असल में हो गया होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे रहती नहीं थी, प्रेगनेंसी था इस वजह से। तो आपको कुछ भी ग्रोसरी का सामान खरीदना है तो आप हर एक सामान यहाँ पे खरीद सकते हो। तो यहाँ पे हर एक सामान आप देख सकते हो, ग्रोसरी से लेके कॉस्मेटिक तक सभी कुछ यहाँ पे मिल जाता है। टाइम हो रहा है, कितना बज रहा है? 11:30। अभी 11:30 हो रहा है और हम लोग आइसक्रीम खाने के लिए आते हैं। पूरा इस साइड में रोड खाली हो गया, लेकिन हम लोग फिर भी मंडप का वीडियो करने के लिए उस साइड पे जा रहे हैं आपको, ताकि आपको हम लोग दिखा सकते हैं। दिल्ली लोग वहाँ पे वेट कर रहे हैं। जा रहे और ये लोग आइसक्रीम करके वहाँ पे जा रहा है। तो अभी वहाँ से हम लोग फटाफट निकल गए हैं। दीदी लोग वहाँ पे वेट कर रहे हैं, नीरू चिल्लाने वाले। तो यहाँ सब लोग को आइसक्रीम दे दिया है। यहाँ पे मम्मी, ये दीदी, तो और ये है हमारे बच्चा, प्यारा बच्चा। और मायने को यहाँ पे दिया है मेरी दीदी ने। और यहाँ पे हमारे हैंडसम जीजू, जो आइसक्रीम खाने में दीदी आने में नहीं दिख रहे, मैं बाद में देखो। तो यहाँ से हम लोग निकल जाएगा जाने वाले, क्योंकि अभी बहुत देर हो गया। मंडप पे फिर दूसरा मंडप पे जाते जाते बहुत देर हो जाएगा। एक्चुअली 11:30 हो गए, 12 बजने के नज़दीक है। ये देखो 11:45 ना, 11:38 हो गया। दीदी का बर्थडे आज, तो 12 बजे केक कट करना है, इसलिए घर पे हम लोग जल्दी जल्दी जा रहे हैं। बजने वाले, मेरी दीदी का बर्थडे है। यहाँ पे पयू निधि बाबू बैठा हुआ है, और यहाँ पे छोटा बाबू, और यहाँ पे मेरी दीदी मायने को लेके बैठी हुई है। बहुत प्यारी लग रही है ना मेरी दीदी को। और यहाँ पे मेरी मम्मी, अभी केक को हम ओपन करने वाले हैं। तो केक एक्चुअली यहाँ पे है, तो चलो केक को हम लोग खोल लेते हैं, फिर उनको सजा के उसके भी केक कट भी करने वाले हैं। दीदी का कॉमेडी वाला जो है, फिर यहाँ पे दीदी का पहले उस साल का है, नहीं नहीं मेरे बर्थडे का ही है। फिर इसमें एक लेटर दिया गया है, वो मैं हैप्पी बर्थडे। ओके ओके, मेरी भांजी यहाँ पे पढ़ने वाली, ठीक है। और केक यहाँ पे है, और बर्थडे गर्ल यहाँ पे है, वो बोले यहाँ पे बैठना है। तो यहाँ पे मेरी बर्थडे गर्ल बैठी हुई है, डेकोरेशन वगैरह कुछ किया नहीं है। और हमारा केक फाइनली यहाँ पे, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा केक है। मैं खाने वाली हूँ उसके लिए, ये आइसक्रीम ना मैं लेके खा लेती हूँ। ओके ओके, हाय
हमारी बर्थडे कार्ड रेडी है और ये है उसकी केक। ये चलो अरे का पैंक पे देखो एको ना लिया और यहाँ पे मायने को लेके बैठा है जीजू। देख सकते हो मेरी माइन बहुत चिल्ला रहे उन लोग और यहाँ पे मायने को लेके बैठी है वो हंस रहे है। मायने को लेके बैठी है मेरी जीजू और देख रहे हो कितना हंस रहा है। और यहाँ पे दीदी है, बाबू है, टिकली है और छोटा बाबू ऊपर उठ गया। तो चलो केक कट करने वाले हैं लेकिन हम लोग सिगरेट नहीं, यहाँ पे हम लोग लाइटर से इसका क्या बोले फीफी जलाने वाले। ये ये तो डरी डरा मुझे दो टन 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 केक खाने वाले हैं। आप लोग देखते रहो आगे तक वीडियो। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हाँ मैं यहाँ पे बहुत सारे वीडियो 3 दिन का दुर्गा पूजा का मैंने वीडियो ऐड नहीं किया क्योंकि यहाँ पे मैंने सोचा था इतना लंबा व्लॉग मुझे नहीं करना है, एक ही दुर्गा पूजा का 3-4 दिन का। तो यहाँ पे सब लोग केक वगैरह खा रहे हैं, यहाँ पे देख रहे बर्थडे गर्ल को भी खिला रहे हैं। तो आज का वीडियो यहाँ पे एंड करने वाले। कैसे लगा आपको वीडियो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यहाँ पे मेरे मायने के लिए, मेरे मायने के लिए 1 लाख तो बनता है। Hi.